पूर्णिया के अमोर प्रखंड क्षेत्र के विधायक अख्तरुल इमाम द्वारा मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत एक सड़क और एक मदरसा का चार दीवारी का शिलान्यास फीता काट कर किया गया, जिससे लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल देखने को मिला। विधायक द्वारा सर्वप्रथम बंगरा मेहदीपुर पंचायत के बंगरा से मुस्लिम टोला तक मुख्यमंत्री सड़क का शिलान्यास फीता काट कर किया गया। वहीं शिलान्यास के दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा हर समय प्रयास रहता है क्षेत्र का अधिक से अधिक विकास करने का, जिससे एक क्षेत्र से लेकर दूसरे क्षेत्र तक संपर्क के लिए सड़कों का जाल बिछाना मेरा पहला कर्तव्य बनता है। मैं हर समय क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर रहूँगा, जनता के सेवक के रूप में काम करने पर विश्वास रखता हूँ। क्षेत्र के जो भी मूलभूत सुविधा विकास करना रह गया है उसको अपने कार्यकाल में पूरा करने का काम करूंगा। तत्पश्चात उनके डहू आवाड़ी पंचायत अंतर्गत मदरसा खलेलिया नहरीकोल का चार दीवारी का शिलान्यास किया। शिलान्यास के दौरान उनके साथ फरहान यशजानी, मुखिया अब्दुल कुद्दूस, इफ्तिकार आलम, मुखिया राजेश हरिजन, मदरसा के प्रधान मौलवी मोहम्मद आसिफ रजा, पैक्स अध्यक्ष मोहम्मद अल्लाम मोहम्मद इजहार आलम सहित पंचायत के सैकड़ों गणमान्य लोग मौजूद रहे। बंगला मेहदीपुर में RW की सड़क क्या की है, अमोर में ये दूसरा शिलान्यास कर रहे हैं, रावटा हाट में अभी हम चाहते हैं कि रावटा हाट में हमारे भाई लोग जाएं तो उनके बैठने की जगह हो, चाहे खाना में सिर्फ कप नहीं हो बल्कि वहाँ की लाइब्रेरी बना रहे हैं, चाहे पढ़े लिखे लोग हों, अखबार आए वहाँ पर, वो भी काम अभी करवाने के लिए पहले से चल रहा है। ऐसे ही खबरों के लिए करें Say24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।